नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम, आपके लिए आज जो 4 नवंबर है उसके कुछ 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसके में हम विस्तार से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर रोज़ की तरह हम कुछ इवनिंग टाइम पर कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज के क्वेश्चन क्या निकलते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। आज का पहला दोस्तों, चलिए आज जानते हैं सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के बारे में। जानेंगे दोस्तों बीआरओ, तो बीआरओ क्या है तो देखेंगे दोस्तों। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। तो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये, इसके बाद जानेंगे। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके बाद देखेंगे, यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है, ताकि सेना की रणनीतिक ज़रूरतें पूरी हो सके। इसके बाद फिर है, संगठन पर 53,000 किलोमीटर सड़कों की जिम्मेदारी है। सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। इसके बाद देखेंगे सीमा सड़क संगठन की भूमिका। तो शांतिकाल में सीमावर्ती इलाकों में जनरल स्टाफ की ऑपरेशनल सड़कों का विकास व रखरखाव तथा सीमावर्ती राज्यों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान का में योगदान करना, और युद्धकाल में पुनः तैनाती वाले इलाकों में नियंत्रण रेखा के लिए सड़क का विकास व देखभाल करना, साथ ही सरकार द्वारा युद्धकाल के दौरान विनिष्ठ एवं अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन करना। तो हमने जाना बीआरओ के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया ऋण समझौता। तो जानेंगे इसके बारे में। भारत सरकार ने मेघालय में बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 1 दिसंबर 2020 को एशियन विकास बैंक यानी कि जो IDB है उसके साथ $133 मिलियन के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद देखेंगे, इस समझौते पर आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव CS महापात्र और एशियन विकास बैंक के इंडिया के रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर टेको कोनिशी ने हस्ताक्षर किए हैं। और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ऋण की में कमी के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए बैंक के जापान फंड से $2 मिलियन का अनुदान किया जाएगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा। अब देखेंगे दोस्तों इसके उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य के बारे में हम देखेंगे, वित्त मंत्रालय ने यह बताया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक IDB द्वारा किए गए इस ऋण का उपयोग मेघालय बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उद्योगों, घरों और कारोबारों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जाएगा। अब देखते हैं IDB द्वारा वित्त पोषित विद्युत वितरण परियोजना। तो परियोजनाओं के बारे में हम देखेंगे। तो मुख्य विवरण, भारत सरकार के साथ मिलकर IDB के फंड राज्य की सभी के लिए 24x7 बिजली का पहल समर्थन करेगा। यह ऋण 45 सब स्टेशनों के नवीकरणीय और आधुनिकरण, 23 सब स्टेशनों के निर्माण और 2,214 किलोमीटर वितरण लाइनों से संबंधित सुविधा को स्थापित करने और अपग्रेड करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करेगा। इसके साथ कुछ और जानेंगे इसके बारे में। भारत सरकार के साथ मिलकर IDB के फंड राज्य सभी के लिए 24x7 बिजली पहल का समर्थन करेंगे, यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद, इस वित्त पोषित परियोजना के तहत स्थापित किए जाने वाले स्मार्ट मीटरों में लगभग 1,80,000 परिवार को लाभ होने की उम्मीद है। इसके बाद देखेंगे फिर, ऋण में से $2 मिलियन का अनुदान सामाजिक रूप से वंचित समूह की सहायता करने के अलावा बिजली की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मिनी ग्रिड्स के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अब देखेंगे सुदूर गांवों में बिजली की कटौती। तो मेघालय में विद्युत वितरण नेटवर्क के लिए IDB के ऋण समझौते के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि भले ही इस राज्य में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, फिर भी पूर्वोत्तर राज्य के दूरदराज के गाँवों में ओवरलोड वितरण नेटवर्क और यहाँ के सब स्टेशनों के द्वारा पुरानी तकनीक का उपयोग के कारण अभी भी इन गाँवों में बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। अब देखेंगे आज का कुछ और बनता है। तो 3 दिसंबर 2020 दोस्तों, 3 दिसंबर 2020 यानी कल, कर्नाटक के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और संगीतकार कनक दास की 533वीं जयंती मनाई गई।
मनाई गई। तो ये है दोस्तों जो कर्नाटक के जो प्रसिद्ध कन्नड़ संघ जिनका नाम है कनकनाथ, तो इनकी जो 533वीं जयंती मनाई गई। तो जानेंगे इसके बारे में दोस्तों हम इनके बारे में। तो कर्नाटक के प्रसिद्ध कन्नड़ संत कवि और संगीतकार कनकदास की 533वीं जयंती मनाई जा रही है। वे 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में रहते थे। कनकदास के कीर्तन सामाजिक संदेश जन जन के प्रति अभी भी बहुत लोकप्रिय है। उनका जन्म एक चरावा परिवार में हुआ था। भगवान की भक्ति के लिए वे भक्त कनकदास के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने नरसिंह स्त्रोत, राम ध्यान मंत्र और मोहना तरंगिनी जैसे प्रमुख रचनाएं की। तो यहाँ से रचनाएं इंपॉर्टेंट बन सकती हैं आपके लिए। इसके बाद इसी में देखेंगे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा ने आज कनक यानी कि कल कल कनकदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके विचारों और साहित्य को बढ़ावा देने वाली प्रतिभाओं को कनक श्री, कनक गौरव और कनक युवा पुरस्कार दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कनकदास के कीर्तन के माध्यम से जो संदेश दिया उन पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कनकदास का संदेश देना दिया था कि जाति और समुदाय के नाम पर हमें लड़ना नहीं चाहिए, केवल अच्छे विचारों को महत्व देना चाहिए। अब एक और जानेंगे दोस्तों, विश्व दिव्यांग दिवस जो कि 3 दिसंबर 2020 को मनाया गया। तो 3 दिसंबर 2020 के दिन हमारे बीच दिव्यांगों को पहचान दिए जाने के लिए समर्पित हैं। देख भेदभाव खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करें। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले पद्म भूषित मेजर ध्यानचंद सिंह की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले श्री मेजर ध्यानचंद सिंह हैं, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। तो 3 दिसंबर वैश्विक खेल जगत में भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह की जब गेंद लेकर मैदान में दौड़ते थे तो ऐसा लगता था मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक गई हो। हॉकी स्पर्धा से विभिन्न विश्व विजयी अभियानों के शिल्पकार की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। इनके बारे में देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि हो सके हैं यूके के पीएम बोरिस जॉनसन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 27 नवंबर को बोरिस जॉनसन के साथ कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की करने के लिए फ़ोन कॉल के माध्यम से बातचीत की थी। और जानेंगे दोस्तों इनके बारे में, भारत के कथित तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक फ़ोन कॉल के दौरान ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 नवंबर को बोरिस जॉनसन के साथ कोविड-19 महामारी, इसके साथ जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक फ़ोन कॉल के माध्यम से बातचीत की थी। इस फ़ोन कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने पोस्ट ब्रेग्जिट युग के बाद भारत यूके के बीच साझेदारी की एक लंबी छलांग की दिशा में काम करने के लिए अपनी साझा प्रतिस्पर्धा को दोहराया। उन्होंने यह भी सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों जैसे रक्षा, सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता में सहयोग बढ़ाने को जबरदस्त संभावना है। और जानेंगे इसके बारे में कुछ और, तो है भारत में कार्य करने वाले ब्रिटिश उच्चायुक्त जॉन थॉम्पसन ने इससे पहले नवंबर में कहा था कि यूके के पीएम बोरिस जॉनसन जल्द ही भारत में इन पर्सन यात्रा करेंगे। थॉम्पसन ने कहा था कि यूके के विदेश सचिव पीएम बोरिस जॉनसन भी भारत आने के लिए बहुत उत्सुक है। तो अब जानेंगे दोस्तों आज की जो इम्पोर्टेंट है, भारतीय नौसेना दिवस यानी 4 दिसंबर को जो भारतीय नौसेना दिवस थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में जानेंगे वर्तमान चीफ, तो इनके जो वर्तमान चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह और जो पूर्व है सुनील लांबा। इसके बाद जानेंगे एडवर्ड पेरी 1905 में ब्रिटिश भारत के थीम 2020 कॉन्स्टेंट रेडी विश्वसनीय और एकजुट। उद्देश्य देखेंगे हम समुद्री सुरक्षित समुद्र और मजबूत राष्ट्र के लिए सुरक्षित तटीय विषय के साथ युद्ध के में हुए सभी शहीदों की याद में जीत का जश्न 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में सफलता पर और ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में हम जानेंगे। भारतीय नौसेना द्वारा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची शहर स्थित पाकिस्तानी बंदरगाह पर शुरू किया गया आक्रमण अभियान था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा टारगेट क्षेत्र में युद्धरोधी मिसाइलों का पहली बार उपयोग देखा गया। यह ऑपरेशन 4 से 5 दिसंबर 1971 की रात में नियोजित किया गया था।
जिसमें एक भी भारतीय नौसैनिक ने जान नहीं गंवाई थी और ऑपरेशन पूरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के माइंस पेंस व एक विध्वंसक तथा गोला बारूद ले जा रहे एक मालवाहक जहाज कराची के कई ईंधन भंडारक टैंक खो दिए थे। इसके साथ ही पाकिस्तान के बहुत से नौसैनिक भी शहीद हुए थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की जगन्नाथ थोडू योजना, तो ये भी देखेंगे दोस्तों इम्पोर्टेंट जो योजना है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़क विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया करने के उद्देश्य से शुरू किया। आंध्र प्रदेश के बारे में हम जानेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पर होगा YS जगनमोहन रेड्डी। इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम तो अमरावती। इसके बाद एक और जानेंगे, विजय कृष्ण पटेल बने ओडिशा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो ओडिशा राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर विजय कृष्ण पटेल को नियुक्त किया गया। विजय कृष्ण पटेल वर्तमान में ओडिशा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष VP दास की जगह लेंगे जो 14 नवंबर को रिटायर्ड हुए हैं। ओडिशा के बारे में हम जानेंगे, तो ओडिशा राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल। इसके बाद ओडिशा राज्य की राजधानी तो भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।